ये जंगली जानवर कीड़े मकोड़े दिखे तो वहां से तुरंत भाग लेना, वरना इनके काटने से आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिलेगा और रास्ते में ही आपकी जान चली जाएगी। आपने अभी तक ये तो सुना होगा कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी बहुत खतरनाक होते हैं, जो शरीर के अंदर घुस के इंसानों का खून चूस लेते हैं। मगर उन छोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा भी और भी ऐसे कई खतरनाक जानवर हैं जो चुटकियों में आपकी जान ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन दोनों तरीकों के जानवरों के बारे में जानते हैं। नंबर वन, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा सांप बहुत खतरनाक होता है, पर दोस्तों शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ब्लैक मांबा सांप आखिर कितना खतरनाक होता है। दोस्तों जहां ब्लैक मांबा सांप मौजूद होता है वहां पर अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो 100 मीटर दूर से ही मांबा साहब को उसके चलने की वाइब्रेशन आ जाती है और ये उस पर हमला करने के लिए पहले से ही तैयार बैठ जाता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जितने लोगों को ब्लैक मांबा काटता है उनमें से 95% लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लैक मांबा साहब के जहर का एंटीडोट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है तो फिर 95% लोगों की मौत इसके काटने से आखिर क्यों हो जाती है? क्योंकि दोस्तों ब्लैक मांबा इतना जहरीला होता है कि उसका जहर जैसे ही शरीर में जाता है तो पूरे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। और दूसरी वजह यह है कि ब्लैक मांबा ज़्यादातर जंगली इलाकों में पाए जाते हैं और वहीं पर वो इंसानों पर अटैक करते हैं। इसी वजह से जिन लोगों को ब्लैक मांबा काटता है उन्हें शहर के हॉस्पिटल में आने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए उन लोगों की मौत रास्ते में ही हो जाती है। नंबर टू, डॉग टिक। दोस्तों डॉग टिक जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा नज़र आता है, इन्हें देखकर आपको वैसे भी इन्हें छूने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी और शुक्र है ये घरों में नहीं पाए जाते। मगर हाँ, ये भद्दे कीड़े ज़्यादातर आपके पालतू जानवरों के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जैसे गाय कुत्ते, जिसका दर्द उन जानवरों को बहुत सहना पड़ता है। वैसे ये कीड़े इंसानों के लिए भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितना कि जानवरों के लिए। अगर ये कीड़े आपके शरीर में चिपक गए ना, जो कि भगवान करे ना हो, तो जहाँ पर ये कीड़ा लग गया है वहाँ पर एक गड्ढा कर देगा और भले ही आप किसी तरीके से उन्हें निकाल दो मगर उसका दर्द 7 दिनों तक आपको असहनीय रूप से सहना पड़ेगा, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। नंबर थ्री, मोरे ईल। चलिए जमीन से उठकर थोड़ा पानी के गहराइयों में चलते हैं क्योंकि पानी में भी ऐसे खतरनाक जानवर छुपे पड़े हैं जिसमें से एक है मोरे ईल। ये मछली दुनिया में सबसे अलग और जानलेवा मछली मानी जाती है। वजह है इसके जबड़े। आमतौर पर मछलियों के और सभी जानवरों के पास एक ही जबड़े होते हैं मगर इस मछली के पास जबड़ों के 2 पेयर्स हैं। पहला जबड़ा बाहर की तरफ होता है जो नोखीले दांतों से भरा हुआ होता है और दूसरा मुंह के अंदर की गहराई में जो शिकार को मुंह के अंदर चीरने में इनकी मदद करता है। जब ये शिकार करती हैं तो पहले उसे बाहरी जबड़ों से दबोच कर पकड़ लेती हैं, उसके बाद मुंह के अंदर मौजूद दूसरा जबड़ा शिकार को अंदर खींचने में और चीरने में इन मछली की मदद करता है। मोरे ईल पूरे के पूरे इंसान को भी निगल सकती है। हर साल कई समंदर में गए लोगों के ऊपर ये मछली अटैक कर देती है और इंसान का जो अंग इस मछली के दांत के नीचे आता है, समझो उसका बचना तो बहुत मुश्किल होता है। कई लोग अपनी उंगली, हाथ, पैर जैसे अंग इस मछली के अटैक से गंवा भी चुके हैं। नंबर फोर, ब्यूटीफुल फ्रॉग्स। ये वो मेंढक नहीं है जो आपके घरों में बरसात के समय दिखते हैं, ये वो हैं जिसे आप जंगल में देखेंगे तो ज़रूर इसके पास जाने की कोशिश करेंगे या फिर आप इसे पकड़ के अपने घर लाना चाहेंगे क्योंकि ये दिखने में है ही इतना खूबसूरत। मगर ऐसा भूल कर भी मत करिएगा क्योंकि ये मेंढक सिर्फ बाहर से ही देखने में सुंदर है, अंदर से ये उतना ही जहरीला होता है। ये मेंढक इतना जहरीला होता है कि इसके जहर से 100 लोगों की जान जा सकती है। पर एक बात बताऊं दोस्तों, ये मेंढक दिखने में है बहुत खूबसूरत। नंबर फाइव, ऑक्स पैकर्स। दोस्तों आपने जिराफ और जंगली जानवरों के ऊपर बैठे पंछियों को ज़रूर नोटिस किया होगा। दोस्तों ये ऑक्स पैकर्स जानवरों के ऊपर बैठकर उनमें लगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, मगर ये उतना मामूली नहीं है। जब ये उन कीड़ों को खाते हैं तब वो उनकी चोंच से जानवरों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े घाव लगते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं।
ऑक्स पैकर्स अपनी चोंच को उन बेजुबान जानवरों के शरीर में ढंसा देते हैं। जरा सोचिए उन जानवरों को कितना दर्द सहना पड़ता होगा। वो कहावत है ना, हम इंसान तो अपने दर्द को एक दूसरे से बोलकर बांट देते हैं, मगर ये जानवर किससे बोलें, वो अकेले दर्द को सहते रहते हैं और उनके पास कोई उपाय भी नहीं रहता कि उन पंछियों को अपने ऊपर से हटा सकें। ऑक्स पैकर्स जानवरों के कान तक में घुस जाते हैं और जानवरों के शरीर में अपनी चोंच ढसा ढसा कर कीड़ों को ढूंढते हैं और साथ ही उन जानवरों का खून भी चूसते हैं जिनके ऊपर वो बैठे हुए होते हैं। दोस्तों जानवरों को बहुत दर्द सहना पड़ता है, इसलिए जानवरों को कभी सताना मत और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप भी अराइज फैक्ट फैमिली का हिस्सा बन जाओ।